राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? अगर आप राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं तो नहीं देखिए, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। राष्ट्रवाद चिंतन की एक ऐसी दशा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने धर्म, जाति या क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया, निष्ठा। इसका अर्थ होता है वफादारी। मतलब ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी होते हैं, वे लोग अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र से संबंधित लोगों की सांस्कृतिक विशेषता तथा रहन-सहन में कितनी भी भिन्नता हो, लेकिन वे इस बारे में जागरूक रहते हैं कि उनका अस्तित्व उनके राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो इसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद से लोगों की यह भावना मजबूत बनती है कि राष्ट्र की समस्या उनकी समस्या है तथा एक दूसरे का साथ देकर ही राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। इसका अर्थ है, मतलब है कि राष्ट्रवाद ही वह आधार है जिससे किसी राष्ट्र को संगठित बनाता है, या राष्ट्रवाद ही वह आधार है जिससे किसी राष्ट्र को संगठित बनाया जा सकता है। मैंने तो ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर दिया है, अब आप भी ईमानदारी पूर्वक अपना फर्ज निभाइए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। काहे कि देखते हैं, बहुत कम ही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। क्या समस्या है मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, कर दीजिए सब्सक्राइब।